हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका स्वागत है। हम जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन शेयर है और आज के दिन ही लगभग बहुत अच्छी जंप दिखाई गई है। किस रीज़न से जंप दिखाई गई है, एक न्यूज़ थी उसकी वजह से। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट इससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। और आपको अगर अकाउंट ओपन कराना है तो एंजल ब्रोकिंग के साथ आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसे जाके जरूर देख लीजिएगा। कब आपके बोनस कभी भी मिल सकता है, फिर आपके शेयर 13 तारीख को शायद डबल हो सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस, 10 साल का ये परफॉर्मेंस देखते हैं। कंपनी को लगभग 2010 में ही यहाँ पर लिस्ट होती हुई नजर आई है, और 10 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस पॉजिटिव है। 10 साल में लगभग 800% के रिटर्न, 3 साल में 217% के, 4 साल में 500% के रिटर्न, और लगभग हम बात करें यहाँ पर 6 महीने में तो लगभग 65-70% के रिटर्न आपको देखते हुए मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर बात करें बोनस की, तो कंपनी ने देखिए 1:1 का एक बार बोनस भी दिया है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए कंपनी का जो ये परफॉर्मेंस है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी यहाँ पर लगभग 5% की आज ही जंप देखी गई है, 112 पॉइंट्स की। 1138 रुपये का 52 वीक लो, और 17 दिसंबर को लगभग 2924 रुपये का ये शेयर चल रहा था। उसके बाद थोड़ा बहुत गिरावट हुई क्योंकि शेयर काफ़ी भाग लिया था। लगभग 317,023 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे उठाते हुए देखे हैं, 17% के शेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर कंपनी इंफॉर्मेशन में हम जाके देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कंपनी का लगभग 42% कह सकते हैं कि प्रमोटर्स का शेयर है, बाकी पब्लिक के पास शेयर है। और हर बार कंपनी देखिए यहाँ पर आपको बोनस डिविडेंड देती हुई नजर आई है, 6 रुपये, 5 रुपये, और 2018 में यहाँ डिविडेंड के साथ साथ आपको बोनस भी दिया है। और इनके 2.71% के शेयर गिर भी है प्रमोटर्स के, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कंपनी जिस तरीके के परफॉर्मेंस देती आई है, जिस तरीके से रिजल्ट्स देती आई है, आपको इनके शेयर काफ़ी, मतलब आपको ये जो ये गिरवी रख रखे, ये प्लेस कर रखा है, ये आपको हटता हुआ नजर आएगा। जहाँ पर जून में नेगेटिव इनका परफॉर्मेंस था, सितंबर में जैसे ही इनका बिजनेस शुरू हुआ, पॉजिटिव में आता हुआ इनके यहाँ रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी क्या, कौन सी कंपनी है, तो कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स। काम क्या करती है, तो डोमिनोज जो आपने देखते हैं, आप पिज़्ज़ा खाते हैं डोमिनोज के, वो सारी फ्रेंचाइजी इसी के अंडर में आती है, एज वेल एज डंकिन के डोनट्स जो आप खाते हैं, ओके, तो वो आपको इसी के अंडर आते हुए नज़र आते हैं। इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पर इनकी ब्रांचेज नज़र आती है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं फुल पैटर्न चार्टर, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है जमीन नज़र आती है। बॉटम से टॉप हमेशा पॉइंट की तरफ ही जाता हुआ नज़र आया है, और लगभग 2400% के मल्टी बैगर रिटर्न 10 साल में यहाँ पर देती हुई नज़र आई है। तो कंपनी देखिए मार्च से क्या भागी है, आप भी देख सकते हैं कितने बेहतरीन रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए होंगे। लगभग आपके पैसे को डबल तो कर ही दिया है 6 महीने पहले भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर भागती हुई कंपनी नज़र आई है। तो कंपनी के आज जंप लगाई है, कि इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसके पीछे रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है ये न्यूज़। तो ये न्यूज़ मार्केट में के चलते चलते आई है। ये आया है कि जुबिलेंट फूड वर्क्स टू इन्वेस्ट 92 करोड़ रुपीज़ इन बारबेक्यू नेशन फॉर 10.76% स्टेक। तो मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि बारबेक्यू नेशन है क्या। तो बारबेक्यू नेशन इसी तरीके का एक फूड सप्लायर है, जो कि अराउंड द कंट्री आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट दे के आप रेस्टोरेंट में जाके बुफे का एंजॉय कर सकते हैं। बुफे में आपको वेज और नॉन वेज सब कुछ आपको मिलेगा एज़ पर द प्राइस। तो उसकी 10% की हिस्सेदारी, 10.76% के स्टेक 92 करोड़ रुपीज़ में जुबिलेंट फूड ने खरीद लिए हैं। और बताना चाहता हूँ कि राकेश झुनझुनवाला ने भी इसमें आप पार्टिसिपेट कर रखा है, इस कंपनी के शेयर ले रखे हैं, और नेक्स्ट ईयर 2021 में शायद इसका IPO आता हुआ भी आपको नज़र आ सकता है। तो इसमें इसने इन्वेस्ट किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जुबिलेंट फूड जो कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लाता रहता है, अपने डोमिनोज अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लाता रहता है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बिरयानी भी लेके आया था, जिसकी वजह से इनका शेयर काफ़ी भागा भी था। तो इसी वजह से ये शेयर काफ़ी पॉपुलर भी है और अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा भी है, तो इसकी तरफ आप ध्यान जरूर दे सकते हैं। और एज वेल एज इसके अगर हम बात कर रहे हैं कि बैलेंस शीट की,
तो देखिए बैलेंस शीट काफ़ी अट्रैक्टिव है, मार्केट कैप लगभग 35,396 करोड़ रुपए का है, ओके, एंड 247 के पीई पे मिल रहा है, मतलब कितना हाई पीई है, बट कोई इशू नहीं है। आरओसी देखिए 30% है और लगभग 20% की सीएजीआर से हर पिछले 5 साल से कंपनी बढ़ती ही आई है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम इसके क्वार्टरली सेल्स की बात करते हैं ना, तो क्वार्टरली सेल्स देखिए 795 दिसंबर में 2017 में 795 करोड़ की सेल्स थी, जो कि 2020 में 2019 में यहाँ पर आपको 1,060 करोड़ रुपये के बढ़ते हुए नज़र आई है। बट इसके बाद यहाँ पर गिरावट होना लाजमी है, आपको ही पता है पेंडामिक आ गया था, और सेप्टेम्बर में भी देखें यहाँ पर 806, बट जैसे जैसे स्टोर खुले तो यहाँ पर हमें जंप दिखाई दे गई है, और आगे आगे जैसे जैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो और भी जंप आपको दिखाई देगी। वो नेट प्रॉफिट भी उसी तरीके से, जहाँ पर 73 करोड़ रुपीज़ का घाटे में कंपनी चल रही थी, 77 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में आपको होता हुआ नज़र आया है। और सेल्स की बात करें ईयरली बेसिस पे पिछले 10 साल की, तो देखिए 281 करोड़ रुपए की सेल्स लगभग 3,886 करोड़ रुपए की इस मार्च में हो गई है, और 12 महीने में पिछले 12 महीने में 3,143 है। इसी तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट भी आपको जो 7 करोड़ का प्रॉफिट 275 करोड़ का प्रॉफिट में तब्दील होता हुआ नज़र आया है। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन है, रिजर्व्स जहाँ नेगेटिव थे 34 करोड़ रुपीज़ के, वहाँ पर ही यहाँ पर अब देखिए लगभग 1,055 करोड़ रुपए के यहाँ पर रिजर्व्स हैं। बोरिंग देखिए 82 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर बोरिंग थी, बीच में डेट फ्री हो गई थी, बट यहाँ पर इसी क्वार्टर मतलब मार्च में इन्होंने बोरिंग लिया, लगभग 1,651 करोड़ रुपये की बोरिंग है, जो कि हमें घटते हुए नज़र आई है। तो बोरिंग ली क्यों है, तो इसके पीछे भी ये रीज़न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिक्स एसेट, इनका फिक्स एसेट 785 करोड़ रुपीज़ था, और यहाँ पर मार्च में ये डबल और ट्रिपल हो गया, 2,149 करोड़ रुपए का इनका फिक्स एसेट हो गया, तो यहाँ पर इन्होंने खर्च किया है, इस वजह से इन्हें बोरिंग शायद लेनी पड़ी है, जिस वजह से यहाँ पर आपको बोरिंग नज़र आई है। बट कोई बात नहीं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ही इन्होंने बोरिंग ली है। तो कैश कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो लगभग 740 करोड़ रुपये का कैश इक्विवेलेंट है, और लगभग 162 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने कर रखा है। अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात की जाए, तो देखिए प्रमोटर्स के पास जितना भी कैश आता है वो सारा के सारा 732 करोड़ रुपीज़ यहीं पर ही आपको नज़र आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए लगभग 41.94% की हिस्सेदारी है, जो कि प्रमोटर्स के पास है, इन सभी लोगों के पास इसकी हिस्सेदारी है, आप देख सकते हैं। सॉरी, इसी के पास है केवल जुबिलेंट कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी एफआईएस की बात करें तो एफआईएस के पास इन सभी लोगों के पास है लगभग 37.86%। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर ने क्या भर भर के ये शेयर अच्छी अच्छी कंपनीज में ले रखे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर में भी देखिए बड़े बड़े जो प्राइवेट प्लेयर है, यूटीआई, कोटेक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, टाटा, सभी ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद रखी है 14.45% की, और गवर्नमेंट के पास भी 0.32% है, पब्लिक के पास में भी यहाँ पर देख सकते हैं 5.24% है, इसमें भी यहाँ पर अगर देखें तो 1.05, मतलब रिटेल इन्वेस्टर के पास तो ना के बराबर है, अच्छे शेयर की तरफ यहाँ पर लोग जाते ही नहीं है, तो इसलिए अच्छी कंपनी है, इसकी तरफ हमेशा नज़रें बना के रखना। अगर आपको बाय ऑन डिप्स का मौका मिलता है तो इस शेयर को खरीद लेना, अपने पोर्टफोलियो में जगह देना, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से लोग फास्ट फूड के दीवाने होते हैं, पिज़्ज़ा के दीवाने होते हैं, तो पिज़्ज़ा में नंबर वन डोमिनोज ही आता है, और आपको ये अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न आगे आने वाले डिकेड में भी दे सकता है, तो इसकी तरफ नज़र बनाना। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लेना इसमें इन्वेस्ट करने से पहले, और अपनी खुद की रिसर्च भी इसके ऊपर कर लेना। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।